प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका स्वागत इस सुबह की आराधना सभा में करते हैं। 6:30 बजे जितने भाई बहन अपनी नींद त्याग कर आए हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपकी परवाह करता है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत दूर दूर से परमेश्वर के प्रिय जनों की आराधना करने के लिए आए हैं। प्रभु मैं आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यस प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करें, भलसवा से है ना, बुराड़ी से, यस सागरपुर से, गाजियाबाद, यस भोगल, अगेन सागरपुर, सनलाइट कॉलोनी, ब्रिजवासर, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, उत्तम नगर, प्रभु की स्तुति हो, साहब शाहदरा, वाव, ओखला, पंजाबी वाव, प्रभु के नाम तली मिलने वाले प्रभु के लिए, प्रभु की स्तुति करेंगे, ओखला, हालेलुया, यस संगम विहार, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। ये बात दर्शाती कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, हालेलुया। ये बात दर्शाती, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जितने भी भाई बहन दूर से आए हैं, समय से प्रभु के भवन में आए हैं, एक बार उनके लिए भी ताली बजाएंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रियजन जो आस पास से भी आए हैं, प्रभु आपको आशीषित करें, और हम प्रभु के प्रेम में, प्रभु की सामर्थ में लगातार बढ़ते जाए। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत आपके जीवन पर सदैव डेरा करती रहे, और आप लगातार पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे। आइए प्रभु के वचन में चले। हालेलुया। चलिए जीवन की रोटी तोड़ते हैं और हम आशीष पाएंगे। अपने लिए एक मिनट की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें नींद ना आए, हमें भटकाने वाले विचार तंग ना करें, लेकिन हम प्रभु तेरे वचन को सुनने वाले बने। यस हरेक जन प्रार्थना करें, वचन का बीज एक अच्छी भूमि पर गिरने पाए। वचन का बीज जब गिरे तो वो बहुत सा फल लाने पाए। हालेलुया। हमसे बोला बातचीत करिए, हालेलुया, हमारे हृदय को बदल, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो पहले से अभिषिक्त है, और आज जब मैं तेरे वचन से बोलने पाऊं, मैं तेरे क्रूस के पीछे छिपता हूं। प्रभु तू बातचीत कर, तू हमारे हृदयों की दशा को जानता है, और तू बड़े कार्य कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सबने कहा आमीन, जोरदार आमीन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर जो वचन आज हमारी ओर लाना चाहता है, जो खुराक आज हमारी आत्मा को परमेश्वर देना चाहता है, वो ये है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, विश्वास कीजिए प्रभु, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। बोलिए मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और मैं जयवंत से बढ़कर मतलब आप सिर्फ विजयी नहीं है, आप सिर्फ विजयी नहीं है प्रियो, लेकिन विजयी से भी बढ़कर परमेश्वर ने आपको बनाया है। पहले से उसने हमारे लिए वो जय हासिल कर ली है। अब वो कहता है कि मेरी जय पर मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब तू खड़े हो। ये है जयवंत से बढ़कर। हालेलुया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए, जयवंत जीत तो गए, अब तो और क्या चीज, तो उससे भी बढ़कर और क्या लोगे, जान लोगे बच्चे की, तो आपको समझाना चाहता हूँ क्या है जयवंत से बढ़कर। उदाहरण के तौर पर 10 लोगों की दौड़ थी, और 10 लोग दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते एक व्यक्ति वहां पे कमजोर था, लेकिन फिर भी जो है वो फिर भी अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। और वो दौड़ने वाला व्यक्ति जो पहले नंबर पे आ गया है, वो देख रहा है कि ये कमजोर व्यक्ति नहीं दौड़ पा रहा है। वो उस कमजोर व्यक्ति को लेता है और कहता है कि मैं जीत गया हूं जरूर, लेकिन मैं इस कमजोर व्यक्ति को अपनी जीत पर रखता हूं। तो जो कमजोर व्यक्ति है वो विजयी से बढ़कर बन गया है। हालेलुया। कितने समझते कि मैं कमजोर हूं? हम सब कमजोर हैं, बड़े बलवान बैठे भाई यहाँ पे, हाल उठा लो, कमजोर नहीं है। यस, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको जयवंत से बढ़कर बनाया है। लोग सोच रहे अच्छा अच्छा पास्टर अब्राहम कमजोर है, अच्छा अच्छा पेट कैसे है। प्रियो, परमेश्वर ने आप सबको एक स्थान दिया है, वो स्थान
उसकी खुद की जय का है, ये स्थान उसके खुद के विजय होने का है। हालेलुया, यस। ये स्थान एक ऐसा स्थान है जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते, टच नहीं सकते। रोम की पत्री उसके 8वें अध्याय के 37वें वचन को प्लीज पढ़िएगा, क्या कहता है प्रभु का वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर है। इन सब बातों में पढ़िएगा 36वां वचन, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर है। हम बहुत बार वध किए जाते हैं, हमें बहुत बार हमारा जो है अपमान किया जाता है, बहुत बार हमारा हक मारा जाता है, बहुत बार हमें वो स्थान नहीं दिया जाता जहां पर हमें पहुंचना चाहिए है। अगर हम ध्यान दें उस व्यक्ति के विषय में जो बीमार था और उसके मित्रों ने विश्वास किया, उसके मित्रों ने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान धरा और वो जाते हैं और जाकर किसी और के घर की छत को तोड़ देते हैं कि अपने दोस्त को नीचे उतारें कि उसको चंगाई मिल जाए, तो जो व्यक्ति बीमारी में उस बिछौने पर पड़ा था वो चंगा होकर विजय से भी बढ़कर बन गया। प्रियो, बहुत बार आज हमें दूसरों के विश्वास की जरूरत है कि मैं अपने बिछौने से उठकर खड़ा हो पाऊं, और इसलिए आज कलीसिया आपके साथ मौजूद है, इसलिए आज सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मौजूद है कि हमें कोई उठाने वाला बन सके, इसलिए आज हमारा परिवार हमारे साथ मौजूद है। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। पिछले बृहस्पतिवार को भी हमने रोमियो से ही मनन किया था, है ना, क्या वचन था बृहस्पतिवार को, अगम्य धन। मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये लोग जो रोम की कलीसिया के थे बड़े ही धनी लोग थे और इनको बुद्धि ज्ञान से भी मतलब नहीं था, और इसलिए पौलुस जब भी अपनी बात कहता था इन लोगों से तो वो पहले धन पर जोर डालता था। आज हम भी कुछ ऐसी है ना, धन पर ज्यादा हमारा ट्यूबलाइट हमारी धन पे जलती है, बहुत बार आप जो है ज्ञान पे हमारा ध्यान नहीं आकर्षित होगा, लेकिन हमें जब धन की बात लॉटरी लग गई भाई साहब पैसे मिलने वाले हैं एकदम से हम जो है उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, अगर आप इसी रोम की कलीसिया की बात करें तो ये एक ऐसी कलीसिया थी जहां पर बहुत से धनवान लोग, बिजनेस क्लास लोग आते थे, साथ ही साथ ऐसे लोग आते थे जो अपने व्यापार को बहुत ही बखूबी अच्छी तरह पूरा करते थे, और उससे बढ़कर यहां पर वे लोग थे जो सेना में भी दाखिल थे। अच्छा, आज तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है, आज तक ये पद्धति, ये सिस्टम आज तक चला आ रहा है कि इज़राइल देश का हर एक जवान और इज़राइल देश की हर एक युवती अपने जीवन काल के 2 साल, जवानी के 2 से 3 साल, आप 5 साल भी कर सकते हैं, आपको सेना में दाखिल होना है। ये वहां की पद्धति है, ये वहां का सिस्टम है। तो जब पौलुस उनसे इस प्रकार की बात कर रहा है तो उनको विजय के बारे में पता है, उनको विजय का जश्न पता है, उनको बंधुए कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पता है, उन्होंने दुष्टों का, शत्रुओं का खजाना देखा है, खजाना शत्रुओं का कैसे उन्होंने छीन लाया अपने देश, उनको पता है। प्रियो, सारी बातों में उनको पता है कि जब दौड़ में लोग दौड़ते हैं, जो पहले नंबर पर आता है उसको क्या शौहरत और शान मिलती है, वे इस बात से अवगत थे। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है कि मसीह में अब तुम जयवन से भी बढ़कर बनने वाले नहीं हो, लेकिन बन चुके हो। हालेलुया। प्रियो, आज यही बात मैं कलवरी कलीसिया के हर एक भाई बहन को बोलना चाहता हूं जो यहां पर मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे प्रियजन जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप
मसीह में जैवन से बढ़कर बन चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। यस। अब इसको हासिल करने वाली बात है प्रियो, इसको ग्रहण करने वाली एक बात है। यहां पे बैठे हुए प्रभु के प्रिय दास दासियों, अपने अंदर वो बिचारेपन की भावना को आप लेकर मत रखिए कि मैं कब बढ़ पाऊंगा, मैं कैसे बढ़ पाऊंगा, मेरे जीवन में बढ़ोतरी कब आएगी। प्रियो, परमेश्वर ने आपको बढ़ोतरी से आशीषित कर दिया है। स्वर्गीय आशीषें जितनी सारी हैं परमेश्वर ने आपको देनी है। अब और कुछ हमें कुछ चाहिए है, उसको बस हमें हासिल करना है, दैट्स इट। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। यस। जो कुछ हमें चाहिए है उसमें अब हमें उसकी आशीषों को हासिल करना है, उसकी बरकतों को हासिल करना है। हम कैसे, अब इस मुद्दे पर मैं आना चाहूंगा कि हम कैसे जैवन से भी बढ़कर मसीही बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कैसे बना जाए, कौन सी खुराक खाएं, क्या करना है। सबसे पहली बात, पाप की जो दीवार है उस पाप की दीवार को हमें चीरना है। बस ये छोटा सा पाप ही है पास्टर, बच्चे बस ये छोटी सी कमी है पास्टर, इस पर मैं विजय हासिल नहीं कर पा रहा हूं, इस पर मैं फतह प्राप्त नहीं कर पा रही हूं, ये छोटा सा रिलेशनशिप, इससे शादी करने वाला हूं मैं, इससे शादी करने वाली हूं मैं, ये अनैतिक संबंध, ये गलत लत। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय, 59:59 बोलते हैं, 59वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, बहरा हो गया कि वो सुन ना सके। Yes, प्रभु का वचन कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। बहुत बार हमारी प्रार्थना जब सुनी नहीं जाती हमें लगता है प्रभु तेरा वचन तो कहते हैं कि तेरा हाथ छोटा नहीं है जो उद्धार नहीं कर सकता, तेरे हाथ को फालिज नहीं लग गया जो मेरी प्रार्थना को सुन नहीं सकता, मेरे लिए अपना हाथ बढ़ा नहीं सकता। लेकिन यहां पे लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, बचा ना सके, और ऐसा वो बहरा नहीं हुआ कि हमारा परमेश्वर सुन ना सके। लेकिन क्यों नहीं सुनता प्रभु, क्यों नहीं छुड़ाता प्रभु, क्यों बार बार हमारे अंदर क्लेश, क्यों 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 बार बार हम समस्या और क्लेश और दुख और पीड़ा और चुनौती और चुनौती और धसना, क्यों ये बार बार होता है। जनाब दूसरा वचन पढ़िएगा जोरदार, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुमको तुम्हारे जोर से परमेश्वर से अलग कर दिया है। रहस्य की बात, मेरा अधर्म मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करता है, मेरा आज्ञा न मानना मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करता है, मेरा चर्च ना आना मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करता है। आज मैं चर्च को भरा हुआ देख रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन मैं आप सबसे आपका सेवक होने के नाते एक गुजारिश करना चाहूंगा। मैं आपका पास्टर हूं, मतलब मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी आंखों में आंख डालकर बात कहना चाहता हूं। आप सबको महीने का एक रविवार भी प्रभु के भवन के बगैर ना जाने पाए। जो नहीं आते वही नहीं बोल रहे, मैं फिर से बोलूंगा, महीने का एक रविवार भी प्रभु के भवन में न आता हुआ या प्रभु के भवन में गैर हाजिरी का बनना चाहिए है। जोर से बोले, बोलिए, मैं हर रविवार प्रभु के भवन में प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के मुख को खोजने के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं मेरे एल शडाई से प्रेम करता हूँ, उससे बेहद प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। हमारे अपराधों और पापों के कारण उसका मुंह हमसे ऐसा छिपा है कि वह कि
वह नहीं सुनता। आपको पता लग गया बहुत कितनों की प्रार्थना नहीं सुनी गई। मैं ईमानदारी से हाथ उठा रहा हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। सब घर भी बैठे यहां पे, सबसे बड़ा पापी हूं हैं? झूठो ढालो आज बेइज्जती हुई मेरी। प्रियो प्रभु प्रार्थना बहुत बार नहीं सुनता। कितनी बार उसने चाहा कि अब मेरा बेटा प्रार्थना में बैठेगा, कितनी बार उसने चाहा कि अब मेरा बेटा मेरी आज्ञा मानेगा। लेकिन मेरे प्रभु चाहता है करना यार, मेरे माँ बाप से ज्यादा प्रभु मुझसे प्यार करता है। लेकिन मेरे प्रार्थना, मेरे पाप, मेरी कमी, मेरी दुष्टता ना प्रभु को बहरा करती है। मेरा जैसे मैं प्रभु की बात अनसुनी करता हूं, वैसे वो मेरी प्रार्थना अनसुनी करता है। वो करना नहीं चाहता लेकिन मेरे पाप उसके कान में रुई डाल देते, मत सुनी उसकी प्रार्थना। शैतान कहता कि ये मेरी संतान बन चुका है, अब इस पर मेरा ठप्पा लग चुका है। लेकिन अगेन मैं फिर से उस भाग की ओर आना चाहूंगा कि हम विजय से भी बढ़कर हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। पता है किस पर? अपने गुप्त पाप पर। जिस पाप पर हम प्रभुता हासिल नहीं कर पा रहे हैं उस पर भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपने से हर एक से परमेश्वर प्रेम करता है। और इसलिए जो पहली बात हमने देखी वो ये कि पाप की दीवार को हमें चीरना है, पाप की दीवार को हमें काट डालना है। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है? यस। आपके साथ मैं भी हूं। अब उसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत रूप से उपवास करना पड़े, मैं उपवास कर रहा हूँ। मैं आपसे साज सच बताऊँ, बहुत बार लोग बुरा मान रहे हैं, पास कुछ खा नहीं रहे हमारे घर में आके, है ना। मैं कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए मैं उपवास में हूँ, जरूरत को पूरा होने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि प्रभु मुझे शुद्ध बनना है, मुझे पवित्र बनना है। और प्रियो अगर आपको भी जरूरत लगे कि आपको कुछ समय के लिए 3 दिन का उपवास करना है, कुछ समय के लिए आपको उपवास के जाना है व्यक्तिगत रूप से, कलीसिया के रूप में लोग जाते उपवास में, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आने वाले क्रिसमस के पहले बढ़ गई हार्ट बीट, आरे 40 दिन के उपवास प्रार्थना, ठीक है, हम लोग उपवास प्रार्थना में जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि मुझे प्रभु की उपस्थिति में रो रो के प्रार्थना करनी है, प्रभु की उपस्थिति में मुझे रो रो के उससे मांगना है, मांगिए, नोबडी विल स्टॉप यू। ओके, अगर हम देखें प्रियो, हर एक वो व्यक्ति जो उस जयवंत से भी बढ़कर स्थान की ओर चलना चाहता है ना, हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय का 15वां और 16वां वचन, अमन मत्ती 28 का, नो वरीज, आप उसे 16 वचन का 15 से 16 पढ़िए। इसका कहता है, और उसने उसे कहा, हाँ, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हम पाप की दीवार को कैसे तोड़ेंगे? खुद पवित्र बन के। पहली बात, हम खुद पवित्र बन के पाप की दीवार को तोड़ेंगे। दूसरा, जब आप पवित्र रहेंगे ना, सिस्टर बबीता ने बहुत अच्छी दवाई दी, उन्होंने कहा मैं ट्रैक्स का डब्बा उठा के ले गई अपने ऑफिस। बहुत बार हम ट्रैक्स का डब्बा वहां ले जाते हैं जहां पर हम दूसरे व्यक्ति से अगली बार मिलने वाले नहीं है। तू गया भाड़ में, मैं भी गया भाड़ में, प्रेम को उपहार भी गया भाड़ में, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिस्टर अपने ऑफिस में उस ट्रैक्स के डब्बे को लेके गई, इस बात को जानते हुए कि वहां पे कोई भी व्यक्ति नष्ट ना होने पाए। हालेलुया। जब आप पवित्र बनते ना तो आपको परमेश्वर दया की आत्मा से भरता है कि दूसरे व्यक्ति का भी नाश ना हो, वे भी उद्धार पाए। और इसलिए आप केवल अपने जीवन में उस पाप की दीवार को नहीं चीरते हैं, परंतु आप दूसरों के जीवन के पाप की दीवार को यीशु के नाम से सुसमाचार के द्वारा ढा डालते हैं।
हालेलुया यस। और इसलिए सुसमाचार का प्रचार करना हमारे लिए ताकत की बात है। मुझे वो समय याद आता है जब सिस्टर नीलम ब्रदर डैनियल कलकत्ता जाते थे डब्बे ले लेके सफदरजंग, है ना ब्रदर, सफदरजंग एम्स, लोगों को प्रभु के बारे में बताना, उद्धार का रास्ता दिखाना। मुझे वो समय याद है जब व्हील चेयर पे कम से कम 6-7 लोग एल-16 में आते थे। क्यों? क्योंकि वे चंगाई प्राप्त करना चाहते थे। जरूर वो दिल्ली से नहीं थे इसलिए आज वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए, लगातार जारी नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जो सुसमाचार का बीज बोया गया है वो कभी नाश नहीं होगा, वो फलवंत होगा। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले, चाहे आपकी मुलाकात उसके अगली बार हो या ना हो, लेकिन इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि सुसमाचार का बीज आप बोते रहिए। क्योंकि जब आप सुसमाचार का बीज बोते हैं, आप एक बात का ऐलान करते हैं, मेरे जीवन में वो पाप की दीवार टूट चुकी है, अब तेरे जीवन से भी पाप की दीवार को मैं हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम सबको जीवन से बढ़कर बनना है। हालेलुया, हालेलुया, यस। अब जीवन से बढ़कर बनने के लिए दूसरी बात पर हम लोग गौर फरमाएंगे। फरमाने से पहले 8 बज चुके हैं, केवल 7 मिनट बचे हैं और आपके मुंह पर क्या मुस्कुराहट आ रही है। आशीष मिले प्रभु की आपको। ओके, खैर चलेंगे। दूसरी बात, जीवन से भी बढ़कर बनने के लिए प्रभु चाहता है कि आप सर्वोत्तम हथियार जमा कर लीजिए। बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में जाने के लिए हमको आवश्यकता है कि हम साथ में हथियारों को लें। और प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे बैठे हुए प्रभु के विश्वासियों, जो यहां पे आप मौजूद हैं, आपका जीवन हर रोज एक युद्ध के समान है। आप हर रोज युद्ध भूमि पर युद्ध कर रहे हैं। आपको शैतान के विरुद्ध युद्ध करना है, आपको पाप के विरुद्ध युद्ध करना है, आपको दुष्ट की शक्तियों से युद्ध करना है, आपको बुराई के पाप से युद्ध करना है, आपको अजमाइश या परीक्षा में ना गिरने से युद्ध कर। आपका जीवन 24/7 सोते सोते भी आप युद्ध कर रहे हैं। बताना चाहता हूं मैं आपको, आपका जीवन आरामदायक नहीं है जनाब, मेम साहब, मैडम, श्रीमान, ये बात ध्यान रखकर सुनिए। आपका जीवन इतना आसान नहीं है, आप हमेशा युद्ध में हैं। जब आप सो भी रहे हैं, बहुत बार मैं नेक्स्ट संडे से वी विल हैव संडे स्कूल, मैं कुछ बातों को बोलना चाहता हूं लेकिन बच्चों के कारण मैं बोल नहीं पाता हूं। मैं कुछ प्रभु कुछ बोल रहा है मेरे हृदय में, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल हैव संडे स्कूल, प्लीज दुआ कीजिए कि संडे स्कूल टीचर्स हमारे साथ रेडी रहे। बाबा बाबा सीखा बाबा शेदे रे में बहुत बार लोग मेरे पास आते कहते हैं कि पास्टर मैं सो रहा था, सोते सोते मैंने एक नग्न व्यक्ति को देखा, सोते सोते मेरे अंदर वो दुष्ट कर्म की आत्मा मेरे ऊपर जो है प्रभाव प्रभाव मुझे प्रभावित करना शुरू कर रही थी। सोते सोते मैंने अलग अलग बातों को देखा, सोते सोते मैंने कुछ ऐसे सपने देखे जो मुझे देखने नहीं चाहिए थे, खुद के परिवारजनों के साथ, खुद के काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मैंने खून खराबे देखे, मैंने ऐसी सी बातें देखी। पर उसका एक कारण है, उसका एक कारण है। क्यों पता है? शैतान को पता है कि हमारा लूप खोल गया है, उसको बहुत आसानी से पता है कि हम कहां गिर सकते हैं, हम कहां जो है हमें कहां कुचला जा सकता है। ये सिस्टर आशा दोनों बच्चों को भेज दीजिए वहां, तीनों बच्चों को बेटा जाओ, थोड़े से चल रहा है, जितने बच्चे बैठे ना प्लीज जाइए, नेक्स्ट संडे से वी विल हैव संडे स्कूल। हाँ बेटा नीचे डाल भी जाओ बेटा, हाँ यस। और कोई बच्चा बैठा है? सुलेमान बैठा है हमारा, जो व्यक्ति सो के उठा उसने बोला पास्टर जब मैं उठा मेरा बिछौना गीला पड़ा था, शैतान वो दुष्ट कर्म की आत्मा को लेकर मेरे ऊपर ऐसा उभर के आया कि मेरे मुंह से जो है कुछ निकला, मेरे अंदरूनी भागों से कुछ निकला, यहां तक कि मेरे पेट की नाभि से कुछ निकला। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप 24/7 युद्ध में लड़ रहे हैं प्रियो, और अगर आप सतर्क नहीं होंगे, आप अगर चुस्त नहीं होंगे, आप अगर ध्यान पूर्वक नहीं रहेंगे, शैतान को पता है कि शिकंजा कहां मारना है। बहुत लोगों की वीकनेस क्या होती है? ऑपोजिट सेक्स, लड़कियां, लड़कियों क्या लड़के, शैतान को पता है कहां पे शिकंजा कसना है।
और इसलिए आज प्रभु चाहता है कि अपने हथियारों को हमें कसना है यीशु के नाम से, सत्य का फेटा बांधना है, धार्मिकता की झिलम पहननी है यीशु के नाम से। हालेलुया, यस। YouTube पर वो लुभाने वाली रील्स और शॉर्ट्स आज जो आते हैं वो जवानों को गिरा रहे हैं। जवानों अपने आप को कस लो यीशु के नाम से, लुभाने वाले पाप में मत गिर जाओ, क्योंकि आपकी बुलाहट बहुत बड़ी है। जीवन भर हम पापों की क्षमा की प्रार्थना नहीं कर सकते रहते हैं, जीवन भर हम पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे, अरे हमें बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, हमें औरों को बचाना चाहिए था, लेकिन आज हम अपने पापों में लटके हुए। क्यों? क्योंकि हमने हथियार अब तक साथ नहीं लिए हैं। वो हथियार, अब प्रभु का वचन जो हथियार है वो अब तक हमारे साथ नहीं है। ऑफिस में जब कोई बुराई की बात होती है तो चले जाते हैं, जब डबल मीनिंग बात चले जाते हैं। प्रियो, आपकी बुलाहट बड़ी है, अपनी बुलाहट को छोटी मत समझिएगा। शैतान की लुभाने वाली बातें, मनुष्य को प्रसन्न करना, मनुष्य को प्रसन्न, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मनुष्य को जीवन भर प्रसन्न नहीं कर सकते। अपनी एड़ी भर कदम लगा लीजिएगा और मेरी बात को अपने हाथ पर लिख लीजिएगा। जो लोग प्रार्थना में आंखें बंद नहीं करते हैं, बहुत से बड़े लोग भी यहां मौजूद हैं, आपको देखकर अब आपके बच्चे भी प्रार्थना में आंखें बंद नहीं करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। क्यों पता है? क्योंकि हम युद्ध भूमि में आ गए हैं, लेकिन हमने हथियार नहीं कसे। हम प्रभु को हल्के में लेते हैं। क्यों पता है? अरे प्रभु ने मुझे विजय बना, विजय वो तब बनाएगा जब हम दौड़ने वाले बनेंगे, जब हम शूरवीर बनेंगे, तब वो आपको शिरोमणि बनाएगा। मैं चाहता हूं कि हर एक माता पिता जो यहां मौजूद है, आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण सेट कीजिए। प्रार्थना अगर चल रही है, प्लीज आंखें बंद कीजिए। वो आंखें नहीं बंद कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए, आंखें बंद करके प्रार्थना कर। जब तक बच्चे हैं आप उन पर प्रभुता रख सकते हैं, एक बार बड़े हो गए आप उनको एक शब्द नहीं कह सकते साहब। आप उनको प्रभु के मार्ग में चलाना चाहते हैं, ठीक समय आज है, दिस इज द राइट मोमेंट। बाद में बड़े होने के बाद वो नहीं चलेंगे, वो उनके ऊपर यार, लेकिन प्रभु आपको दोषी नहीं मानेगा। अगर आपने जब उनकी जवानी में, उनके बचपन में आपने उनको कलीसिया लाया है, मुझे प्रियो बहुत अच्छी तरह याद है, अगर मैं एक भी सभा मिस कर दूं, अगर एक भी प्रचार मिस कर दूं, मेरे, मैं आपको सच्ची बताऊं, जीवन में मेरे बहुत कम फ्रेंड्स रहे हैं, चर्च में तो मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स रहे हैं। कहां था तू? वचन में बाहर चला गया था, और जो लाख पड़ती थी भैया घर में जाकर वापस, पापा वैसे थके थे, और एक लाख मार के अपनी सारी थकान बची। मम्मी, अब हमारे घरों में क्या होता है कि माता अगर गुस्सा होती तो पापा प्यार से बना लेते हैं, पापा गुस्सा होते तो मम्मी प्यार से, यहाँ पे दोनों बरसते थे उनपे। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का भय मेरे अंदर आया है। प्रिय, मैं चाहता हूँ कि वही भय और वही आदर का आत्मा हर एक बच्चे के अंदर आने पाए। अपने बच्चों को प्रिय समझाइए, जो बच्चे इस समय छोटे हैं उनके सामने एक उदाहरण रखिए। अपने बॉस को परमेश्वर से बड़ा मत कीजिए अपने बच्चों के सामने। क्यों बताए? क्योंकि सारी आशीषों का स्रोत हमारा परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 वचन, अमन संध्या, इफिसियों 6 अध्याय का 17 वचन, यस, इब्रानियों 4:12 रंगनी, यस, पढ़िएगा साहब। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के जो हथियार है ना, लड़ाई जो हमारी होती है उसके हथियार शारीरिक नहीं है। क्या है साहब? गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को ढा डालने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, परमेश्वर ने आपको बुलाहट इसलिए दी है, आप लड़ाई में इसलिए मौजूद है ताकि आप यीशु के नाम से अपने क्षेत्र के गढ़ को, आश्रम के गढ़ को, उत्तम नगर के गढ़ को, शात्रा के गढ़ को, आप ब्रिजवासन के गढ़ को, अपना अपने क्षेत्र का नाम लीजिए, उसको यीशु के नाम से ढा सके। अपने एरिया में होने वाले पापों के विरुद्ध हम प्रार्थना करना शुरू करें। शराब की आत्मा को बांधिए यीशु के नाम से, बंटवारे की आत्मा को बांधिए यीशु के नाम से, तलाक की आत्मा को बांधिए यीशु के नाम से। प्रियो, ये गढ़ है, परिवार टूट रहे, पता क्यों टूट रहे? क्योंकि हम गढ़ को नहीं बांध रहे,
एक्चुअली परमेश्वर ने हमें विजय से बढ़कर बना दिया है, लेकिन अब हमें विजय में चलना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं चलना आ रहा? क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। प्रियो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितनों से आज पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं प्रियो? यस, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहे हैं प्रियो। गढ़ों को ढाने वाले हमारे पास हथियार होने पाए। क्या है वहां पे लिखा? हमारे हथियार क्या नहीं है? शारीरिक। We don't operate in physical weapons. Hallelujah. शारीरिक हथियार। अगला वचन, yes, संध्या। एक मिनट, उद्धार का इसको बोलते हैं आत्मिक रूप से चुस्त बनना। अगर आप लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो आपको इन बातों को, इन सामग्रियों को पहनने की आवश्यकता है। उद्धार का मतलब पाप की क्षमा अगर आपकी हुई तो आपके सर पर टोप प्रभु डालता है। उसके बाद प्रभु का वचन, आत्मा की तलवार, ले लो उसको, ले लो। फिर वो बाद में कहता है धार्मिकता की झिलम, गलतियों की पुस्तक में। फिर वो कहता है सच्चाई का फेटा, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। हालेलुया। आज कोई बात हमको कसने पाए तो झूठ हमको कसने ना पाए। बहुत बार वो झूठ हमको कसता है ना प्रियो, और हम अपने ही पिताजी एक शब्द यूज करते हैं, उर्दू शब्द, मुझे बड़ा पसंद आता है वो, अपने ही मौज मस्ती में हम गाफिल रहते हैं, गाफिल रहते हैं। जितने लोग इस समय गाफिल है ना प्रियो, गाफिल रहने का समय नहीं है। उठ जाइए, अपने आपे में आ जाइए। क्यों प्रियो? मैंने आपसे बता दिया, इस बात को आप संपूर्ण सत्ता याद रखिएगा कि आप 24/7 युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलवरी परिवार के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, पास्टर अपने भाई बहनों के लिए। प्रियो लगातार युद्ध भूमि में है। बहुत बार भाई के विरुद्ध, मसीह भाई के विरुद्ध, अपने खुद के भाई के विरुद्ध बुराई करने का मौका शैतान देगा। मत कीजिए। क्यों पता है? हमारा हथियार हमसे छीन लिया जाएगा। कौन सा? धार्मिकता की झलम। बहुत बार लोग बुराइयां करते हैं, वो धार्मिकता की झलम हमसे ले ली जाएगी। बहुत बार लोग झूठ बोलते हैं, वो सच्चाई का फेटा हमसे ले लिया जाएगा। और अंत में प्रभु का वचन कहता है कि वो सुसमाचार के जूते पहन लो, उन सुसमाचार के। प्रियो, जितनों के पांव में दर्द है, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं इस बात का ऐलान करना शुरू करें कि मेरे पांव सुसमाचार के पांव, और मैंने इन पांव में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के जूते पहन लिए। और जब आप इस बात का, इस बात को ऐलान करना शुरू करेंगे और बाहर जाके वचन का प्रचार करना शुरू करेंगे, अपने आप को पैर की दुष्ट की शक्ति जो आपके पैरों को निर्बल बनाती है, वो यीशु के नाम से दूर होगी। प्रभु का वचन कहते हैं कि हमारे पांव को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है। हिरणी के पैरों में कितनी ताकत होती है, दिखने में अच्छे नहीं होते उसके पांव, देखिएगा कभी आप, they don't have some pleasing feet, but बड़े भद्दे होते हैं। लेकिन दौड़ने के लिए जो चीज बड़ी काम की होती है वो बड़ी भद्दी लगती है, बहुत, लेकिन उसका अर्थ बाद में से एक लात मारता है वो बहुत बार टाइगर को, शेर को। आपका सुसमाचार का पांव शैतान के मुंह पर लात मार देता है, ताकि वो पाप आप पर प्रभुता ना करे, ताकि वो दुष्ट आप पर प्रभुता ना करे। मैं आज प्रभु से बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अगले रविवार और प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन बातें और हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर आप कुछ भूल गए हैं, परेशान मत होइए, एक बात याद रखिए कि मैं युद्ध के लिए बुलाया गया, और मुझे युद्ध में प्रभु ने विजय से भी बढ़कर बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे बीच एक अद्भुत कार्य करना चाहता है। प्रभु हमारे सारे बदलों को रूपस्थ कर डालना चाहता है। प्रभु से बोले, अगर आप चाहते हैं दो मिनट की प्रार्थना अपने आप के लिए करने के लिए,
आप प्लीज प्रार्थना कीजिए, प्रभु के मदद से प्रभु को पुकारिए। अगर आप युद्ध में अब तक बड़े निर्बल थे तो प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मुझे तू बलवान बना, मैं शत्रुओं की शक्तियों को युक्तियों को ढा डालना चाहता हूँ, शैतान को मैं उध्वस्त कर डालना चाहता हूँ। आइए यस हालेलुया, आइए प्रार्थना करना शुरू करें प्लीज हालेलुया, अपनी आवाज़ों को उठाइए प्रार्थना करना शुरू करें हालेलुया। मैंने आपसे पहले बोल दिया कि हम युद्ध भूमि पर हैं, युद्ध भूमि पर जब कोई होता है तो वो ऊंची दहाड़ दहाड़ता है हालेलुया। आइए आज शैतान के विरुद्ध ऊंची दहाड़ दहाड़ दहाड़े यीशु के नाम से, राबा बाबा राला बासी पाराला बासे रेखतर लबा रियल फॉर लोगो सो पाराला बासे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आज परमेश्वर के लोगों के जीवन में उतर आने का है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी बड़े कार्य कर, प्रभु जी बड़े कार्य कर, प्रभु जी बड़े कार्य कर, ओ प्रभु जी बड़े चमत्कार कर हालेलुया। प्रभु जी तो हमें अच्छा लड़वैया बना, हमें अच्छा लड़वैया बना, हमें लड़ने के लिए साथ मदद कर। हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है लेकिन परमेश्वर गढ़ों को ढा डालने वाले हथियार हैं राजा। आज हम उनको ढा डालना चाहते हैं, शैतान की हर एक युक्ति को यीशु के नाम से हम ढा डालना चाहते हैं। आज हमारे पैसों में हम जयवंत से बढ़ के बढ़ना चाहते हैं, आज तेरी बुद्धि में हम जयवंत से बढ़ के बढ़ना चाहते हैं, आज तेरे वचन में हम जयवंत से बढ़ के बढ़ना चाहते हैं, आज पवित्रता में हम जयवंत से बढ़ के बढ़ना चाहते हैं, आज हम इस जीवन में जयवंत से बढ़ के बढ़ना चाहते हैं। ये पुकारी प्रभु के नाम को पुकारी यस 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 हालेलुया रेखा वाला बा सीरा वाला बा शॉट वाला बा रियल कर वाला बा हालेलुया। प्रभु मुझे लड़ने के लिए अनुग्रह दे, मुझे लड़ने के लिए अनुग्रह दे। ओ मैं अच्छी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, मैं शैतान को मार देना चाहता हूँ यीशु के नाम से, मैं दुष्ट की शक्ति के विरुद्ध ओ हालेलुया मैं उनके विरुद्ध प्रलोभन उत्पन्न करना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझे तो हथियारों से परिपूर्ण कर, ओ प्रभु जी मुझे अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर। वो लुभाने वाले बाप मेरे जीवन पर प्रभुता ना करने पाए लेकिन मैं शैतान पर सेवक बने पाऊं यीशु के नाम से यस 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 पुकार लिए हालेलुया। प्रियो मलयुक्त कीजिए शैतान, मलयुक्त कीजिए शैतान को, मार जाइए यीशु के नाम से हालेलुया। अपने इलाके के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और ऊंची आवाज के साथ यस यस पुकार लिए पुकार लिए
हम धन्यवाद देते हैं कि हम जय मन से बढ़कर हैं, तेरी उपस्थिति में तेरे हमें विजयी बनाया है। आज हम धन्यवाद देते हैं कि अपनी चिंताओं के विषयों को हमने तेरे हाथ में रखा है राजा। पिता परमेश्वर, चाहे पिता परमेश्वर चीजें, बातें, लोग, हमारे परिवार के लोग हमारे वश में हो या ना हो, लेकिन वो आज तेरे वश में है राजा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और तू बड़े कार्य करने वाला है। आज तेरे दास दासियों की उपस्थिति में जो युद्ध लड़ा है, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे को पहले से फतह दे दी है, तेरे को जयवंत बना दिया है, तेरे को विजय दे दिया है। हमें से हर एक के साथ यीशु मसीह आने तक बने रहे। आमीन। आइए सुधर पहले भी जाकर लोगों को धन्यवाद देंगे।